हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 25 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आने वाला था, बस किसी कारणवश जो है इसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है 5 नवंबर तक। तो दोस्तों, इसे कट ऑफ को लेकर जो है काफ़ी वीडियोस बनते जाते हैं और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों और जानने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टॉप 5 राज्य, जी हाँ दोस्तों, टॉप के जो 5 राज्य हैं जहाँ पर जो है SSC MTS की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस राज्य में है नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक, हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और आप देखेंगे कि दोस्तों कि कहीं आपका राज्य इस लिस्ट में तो नहीं, क्योंकि आपके लिए हो जाएगी फिर काफ़ी दिक्कत। इसलिए दोस्तों, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा, बस यही इतनी सी दिक्कत आपको होने वाली है कि आपके स्टेट में कहीं ये 5 राज्य तो नहीं है, कि आपका भी नाम इस राज्य में ही तो आपका नाम तो नहीं है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि आप किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और आपका राज्य कहीं इस टॉप 5 लिस्ट में तो नहीं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, हम आपको आजकल जो है अब स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको करना होगा हमें एक मैसेज या मेल, और दोस्तों ये मैं जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आपको कोई भी कास्ट यानी कोई भी प्राइस दाम कुछ नहीं देना होगा आपको, बस बेफिक्र होकर आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी स्टडी को बताइए और हमसे अपना स्टडी मटेरियल ले जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो कटअप जाती है सबसे नंबर 1 स्टेट वो है हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम स्टेट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको जो केंद्र शासित प्रदेश को इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, तो सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे जो है वो है हरियाणा, यानी कि हरियाणा जो है टॉप नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा कटअप जो है SSC MTS की जो जाती है तो हरियाणा की जाती है, क्योंकि हरियाणा में जो है कटअप बहुत ही हाई होती है। और सिर्फ इसके ही नहीं, काफ़ी रेलवेज के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी कटअप हरियाणा में बहुत ज़्यादा जाती है। तब हम बात करेंगे नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे आ जाता है, नंबर 2 पे दोस्तों आप गेस कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पे आ जाती है आपका कटअप झारखंड की। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जो आता है आपका नंबर 2 पे आता है टॉप पोजीशन में, जहाँ की कटअप जो SSC MTS की सबसे ज़्यादा जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ 135 है, ये आउट ऑफ 150 क्या है अभी तक का। दोस्तों अभी तो फिलहाल आपको 100 में आएगा, लेकिन दोस्तों ये जो कटअप है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगी। ये स्टेट हमेशा अपना स्थान ग्रहण कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों का जो है ये कंटिन्यूसली जो है एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया जाता है। तो जो काफ़ी सालों के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पे जो है नंबर 2 पे जो आता है वो आपका झारखंड राज्य है। और झारखंड से जितने बिलोंग करते हैं आपका कट ऑफ देखिए इस प्रकार जो है हाईएस्ट 135 तक गई थी। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पर, नंबर 3 पर आता है, जी हाँ दोस्तों, आप गेस कर सकते हैं, नंबर 3 पर आता है हमारा आप सभी का बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य आता है नंबर 3 पर टॉप पोजीशन में, जबकि लोग कहते हैं कि बिहार में स्टडी मटेरियल जो आपको कहते हैं कि काफ़ी कम है, लेकिन हमेशा दोस्तों सबसे ज़्यादा IAS PCS और जो बड़ी बड़ी पोस्टेस हैं वहाँ के लिए बिहार उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ साइड के जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं वहाँ की जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई जाती है दोस्तों। तो ये बिहार नंबर 3 पर आता है टॉप लिस्ट में SSC MTS की कट ऑफ में। तो अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 जो है वो सरप्राइजिंग होगा आप सभी के लिए, क्योंकि नंबर 4 पर आते हैं मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर राज्य जो है मणिपुर में आपका 134.50, जी हाँ दोस्तों 134.50 हो जाते हैं मणिपुर में कट ऑफ। तो अब हम बात करेंगे हमारे टॉप लिस्ट में जो 5वें स्थान पे, जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पर सोचिए कौन सा राज्य होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार हो तो हो चुका है दोस्तों, मध्य प्रदेश होगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, कहाँ का होगा दोस्तों, आप गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए जो है सबसे 5वें नंबर पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है नंबर 5 की पोजीशन पे। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जो अच्छी तैयारी करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा तैयारी करने का जो शहर है वो है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद बनारस, जौनपुर, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर रोज़ जो है रेंट पर लेकर रूम रहते हैं और वहाँ पर कंटिन्यूसली अपने घर से जो है 8-9 घंटे की दूरी पर रहते हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं जाते और वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है रह के पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ के जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये नंबर 5 पे है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।